बींग द बेस्ट बींग द बेस्ट डजेंट ऑलवेज मीन बींग द बेस्ट यू कैन इन दिचुएशन यू आर इन टूडे इज इलेवेंटेंट टॉपिक्स रैपिड जी के यस्टी क्वेश्चन के आंसर है हिमाचल प्रदेश में है ये पोंग डैम स्विफ्ट का हेडक्वार्टर है बेल्जियम में मिराई टोवा मैस्कट था टोक्यो ओलंपिक्स का गणपति फेस्टिवल इन 1893 स्टार्ट किया था श्री बाल गंगाधर जी ने अकबर ने मुगल रूलर महाभारत को ट्रांसलेट कराया था पर्शियन में नेम्ड इट एज रमजा नामा रेड सेंड स्टोन है जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में प्रोमिनेंटली मिलता है सो दीज आर आंसर ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चन आज के सवाल है द नीलगिरी माउंटेन रेंज इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट अमरावती सिटी इन आंध्रा इज सिचुएटेड अलॉन्ग द बैंक ऑफ विच रिवर जायद तलवार 2021 नेवीज़ ऑफ विच टू कंट्रीज हैव कंडक्टेड दिस एक्सरसाइज़ जायद तलवार 2021 थाउजेंड ट्वेंटी द एगिस्टिंग इंडस वाटर ट्रीटी ऑल द वॉटर्स ऑफ विच थ्री रिवर्स आर अलोकेटेड टू इंडिया फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड यूज इंडस वाटर ट्रीटी में किन तीन रिवर का पानी इंडिया को अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ के लिए अलोकेट हुआ है Which ministry is implementing the Prime Minister Daksh Yojana? Headquarter of International Maritime Organization is located at which place? So these are six questions for today. आज की vocabulary है रिसीड होना जैसे यमुना में फ्लड वाटर आ रहा था वो रिसीड हो रहा है सबसाइड हो रहा है लेसन हो रहा है डिमिनिश हो रहा है dwindle हो रहा है डिक्रीज हो रहा है conspicuous मतलब होता है जो क्लियरली विजिबल है ऑब्वियस है अफ्लिक्शन मतलब अ कॉज ऑफ being इन करना का मतलब वो वेग है समथिंग अनसर्टेन साफ दिखाई नहीं दे रहा है फ्रूशन का मतलब होता है फुलफिलमेंट ऑफ अ प्लान और समथिंग उसके नतीजे आ गए हैं फ्रूट्स आ गए हैं सो दीज आर सम वोकेबुलरी वर्ड्स इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो आज के टॉपिक्स से आज हम देखते हैं दिस हंड्रेड एंड ट्वेंटी सेवन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2021 थाउजेंड इंदिरा साहब ने केस और हंड्रेड एंड सेकेंड सी पे इसका क्या इम्प्लीकेशन है देन दिस इज अबाउट डी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स देन डी ई फीडर रोल आउट कर रहा है ये है टेली रोबोटिक अल्ट्रासाउंड सिस्टम स्कूल्स ओपन हो रहे हैं दिस इज चॉपी वॉटर्स आज हम फिर देखते हैं अनकलॉस बिकॉज प्राइम मिनिस्टर ने भी अभी मेरी मेरी टाइम सिक्योरिटी और सागर विजन की बात किया था यू एन एस सी में देन दिस इज अंडर माइनिंग जस्टिस ट्रिब्यूनल रिजाइलेंट होना चाहिए ग्लोबल ट्रेड को सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इको सिस्टम एंड दिस इज उज्ज्वला टू पॉइंट ओ सेंसस एक्टिविटी अभी पे है प्राइस प्रेशर है टोक्यो ओलंपिक्स है ये ये आज हम देखते हैं हैं जो तेरा नाम दिए पे इन इंडिया लिमिटेड ग्रीक वाइल्ड फायर नौ अगस्त को था विश्व आदिवासी दिवस तो आज हम उससे रिलेटेड प्रमुख संवैधानिक प्रावधान जानेंगे ये सी सेट के सोल्यूशन हैं एंड सर्टेन क्वेश्चन

हंड्रेड एंड सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुआ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास भी बना और इससे एक चीज़ जो आई थी जिसपे डिबेट हो रहा था वो ये था कि जो ओ है इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा इसका आइडेंटिफिकेशन स्टेट लेवल पे रखना है या फिर ये आइडेंटिफिकेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस आइडेंटिफिकेशन को करेंगे अगर सेंटर की तरफ से आइडेंटिफिकेशन होगा तो उससे जो स्टेट्स के राइट्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे स्टेट्स विद इन रीजन डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि विच कम्युनिटी शुड बी ब्रिंग अंडर दिस ओबीसी सो द पॉइंट इज यहाँ पर फिर से उस हंड्रेड एंड सेकेंड सी ए इस प्रोविजन को री किया है कि स्टेट्स के पास राइट right होगा कि वो स्पेसिफाई कर पाए कि ओबीसी ग्रुप्स कौन से हैं तो दिस इज़ एम्पावरिंग द स्टेट हंड्रेड एंड ट्वेंटी सी है so राज्यसभा प्रेसिडेंट साइन करेंगे तो ये बनेगा एक्ट ये बेनिफिट करेगा 671 कास्ट्स इन द कंट्री स्टोर द स्टेट्स राइट टू मेक देयर ओन लिस्ट ऑफ ओबीसी स्टेट अपने राज्य के अंदर ओबीसी बता सकते हैं द बिल सी टू री स्टोर दॉर ऑफ द स्टेटेंटिट आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड बिकॉज हम किस प्रिंसिपल पे बिलीव करते हैं इक्विटी और इक्विटी भी टाइम बाउंड मैनर पे है फाइनल जो गोल है हमारा वो है जस्टिस सो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड जो है सेक्शन उसको आइडेंटिफाई कर पाएगा स्टेट लेवल पे तो कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट ने अभी जब मराठा रिजर्वेशन आया था तब भी ये बात कहा था कि मच ऑफ सेंट्रलाइजेशन नहीं कुछ स्टेट्स के पास राइट्स होने चाहिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ दीज ग्रुप्स का ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने 100 CAA को वैलिड ठहराया था देन सेवरल पार्टीज भी डिमांड कर रही थी कि स्टेट्स के पास ये राइट right होना चाहिए ओबीसी ग्रुप्स को स्पेसिफाई करने का तो पहला पॉइंट तो ये हुआ कि ओबीसी ग्रुप को स्पेसिफाई करना अब स्टेट लेवल पे होगा सेकंड लॉ मेकर्स अब ये भी डिमांड कर रहे हैं कि जो 50% कैप लगा है रिजर्वेशन में इंदिरा साहनी केस की जैसे 100 सीट है उसमें से 50 तक ही सीट आप रिजर्व रख सकते हो बाकी जो 50 सीट है वो ओपन कैंडिडेटचर को देना पड़ेगा ओपन कैंडिडेट्स के लिए रहेगी वो रिजर्वड नहीं रहेगी उसमें सब लोग आ सकते हैं तो उस 50 परसेंट कैप के ऊपर भी रिजर्वेशन करने की यहाँ पे डिमांड है जब भी हम रिजर्वेशन जैसी चीज़ें होती है तो जो फ्रूट्स हैं बेनिफिट्स हैं इसको डिलीवरी करने में सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है ना वो आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरी वी ऑल अग्री कि बेनिफिट्स देना बहुत ज़रूरी है बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन देना ज़रूरी है बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है किसको मिलना चाहिए और किसको नहीं मिलना चाहिए सो so दैट जो एक्चुअल में जो ज़रूरतमंद है उसके पास बेनिफिट पहुंचे तो उसके लिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी होना ज़रूरी है तो फिलहाल के लिए लोकसभा ने यह बिल पास कर दिया है डिबेट एंड डिस्कशन भी हुआ इसमें कुछ हद तक विच इज़ गुड हंड्रेड एंड सेवन ट्वेंटी सेवन सी ए बिल टू थाउजेंड ट्वेंटी वन है पास पास हो जाएगा तो ये बनेगा हंड्रेड एंड फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तो जब बिल में प्रेसिडेंट साइन कर देंगे तो ये बनेगा एक्ट तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ये हंड्रेड एंड ट्वेंटी सेवेंथ बिल है और हंड्रेड एंड फिफ्थ सी ए है ओके सो लेट सी अभी पास नहीं हुआ है ये होगा और एक सौ दो जो हुआ था एक सौ दो में था ओ बी सी को यहाँ पे एक बोर्ड भी बना था और कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किए थे सर्टेन प्रोविजन तो दिस इज अबाउट लोकसभा बिल अब जो सेकंड न्यूज है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें ये लिखा है कि जो पार्टीज हैं 48 एट आवर्स के अंदर पब्लिश करे कैंडिडेट का क्रिमिनल रिकॉर्ड सी हमारे जो नेता होते हैं अगर वो जो नेता लोग हैं वो ही अगर क्रिमिनल हैं तो वो हमको क्या जस्टिस दे पाएंगे तो जब हम अपने नेता का चुनाव करें तो हमें उस नेता के बारे में सब पता होना चाहिए कि उसका एजुकेशन क्या है पढ़ा लिखा है या नहीं है उसका प्रॉपर्टी क्या है कितने पैसे वाला है उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है ये जो चीज़ें है ना ये ज़रूरी है एक कैंपेन भी चला था कि नो योर एम पी जो सांसद है विधायक है उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए तभी तो हम चूज़ करेंगे कि ये ये पर्सन अच्छा है सूटेबल है या ये नहीं है तो दिस इज़ एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है ताकि मीनिंगफुल एंड इफ़ेक्टिव वोट हम कास्ट कर पाए सुप्रीम कोर्ट ने अब बोला कि अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो 48 एट आवर्स के अंदर उसको पब्लिश करो बताओ कि जैसे ये एम पी है इसके अगेंस्ट कौन कौन सी एफ है किस क्राइम में ये चार्ज शीटेड है या फिर किस क्राइम में इसका इन्वॉल्वमेंट था ये सब क्रिमिनल रिकॉर्ड आपको पब्लिश करना है और पब्लिश कहाँ करना है आप न्यूज़पेपर में करो सोशल मीडिया में करो ट्विटर फेसबुक द पॉइंट इज जो जनता है उसको पता होना चाहिए कि उसका जो नेता है वो कैसा है क्लीन्स करें पॉलिटेड स्ट्रीम ऑफ पॉलिटिक्स अब ये जो टॉपिक है ना ये हमेशा न्यूज़ में रहता है और ये बड़ा इम्पोर्टेंट भी है इलेक्शन जो है ना इंडिया में अगर रूट कॉज है सारी प्रॉब्लम्स का चाहे वो करप्शन हो चाहे वायलेंस हो चाहे वो डिवाइजिवनेस जो होती है कॉम्यूनलिज्मा तो सब चीज़ का जो जड़ है ना वो है इलेक्शन इलेक्शन एक्सपेंडिचर तभी आप देखना जैसे ही चुनाव आते हैं हमारा माहौल दिस दिस डिफरेंट हो जाता है वाई बिकॉज इलेक्शन में बहुत सारी मेल प्रैक्टिस होती है सो दैट इज़ वाई जो इलेक्शन है इस एंटायर प्रोसेस को क्लींस करना ज़रूरी है सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होती है फंडिंग तो फंडिंग है कोर्जन है वायलेंस है इसके लिए आई थी गोस्वामी कमेटी फ्री बीज जो अक्सर मिल जाता है चुनाव के एक हफ्ते पहले ये चीज़ फ्री में बांट देंगे जनता बहक जाती है वोट कर देती है चार साल जो काम हुआ वो नहीं देखते आखिरी चार दिन की अनाउंसमेंट देखते हैं तो फ्रीबीज जो है ये एनटाइज करते हैं वोटर्स को क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है इसके लिए वोहरा कमेटी आई थी ये कमेटी याद रखना है गोस्वामी इज फॉर इलेक्शन एक्सपेंडिचर वोहरा कमेटी इज फॉर क्रिमिनलाइजेशन लॉ कमीशन रिपोर्ट टू में भी बोला था कि ई को स्ट्रेंदन करें रोल ऑफ मीडिया क्या हो बिकॉज मीडिया भी कई बार बायस हो जाता है वो करेक्ट पिक्चर दिखाता नहीं है साइलेंस हो जाता है बायस्ड होता है तो ये करें या नहीं करें साइमल्टेनियस पोल्स की अक्सर बात होती है बिकॉज इलेक्शन में खर्चे बहुत होते हैं हॉल्ट होता है पब्लिक वर्क इम्पैक्ट होता है जो जनता होती है इवन जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो चुनाव ड्यूटी लग जाती है काम नहीं कर पाते सो द पॉइंट इज साइमल्टेनियस पोल्स क्यों नहीं कराएं लोकसभा का भी और विधानसभा का भी तो ये सब कुछ बातें हैं ना इन सब पे एक व्यू पॉइंट होना चाहिए ओपिनियन सेंटर स्टेट टसल भी ओके okay? पोलराइजेशन जो होता है हमारी सोसाइटी का वी ऑल आर इंडियंस केवल एक ये आइडेंटिटी सफिशेंट नहीं है क्या ये एक आइडेंटिटी होनी चाहिए कि वी आर इंडियन दैट्स ऑल वी शुड नॉट एनकरेज दिस पोलराइजेशन स्टॉप एनकरेजिंग जो इनकरेज करता है डिवीज़न उसको स्टॉप करना ज़रूरी है चाहे वो डिविज़न रिलीजन बेस्ड हो प्लेस बेस्ड हो या फिर कास्ट बेस्ड हो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना बहुत जरूरी है तो दीज आर सम पॉइंटर्स जो हमको आंसर राइटिंग में ये फॉलो करना है और एज अ ब्यूरोक्रेट ये आपका मैंडेट भी होना चाहिए कि इलेक्शन जो है वो फ्री हो फेयर हो बिकॉज एज अ ब्यूरोक्रेट आप इतना मेहनत कर रहे हो एग्जाम पास करोगे इतना पढ़ लिख के समझदारी से यहाँ पोस्ट पे बैठोगे बट अगर चुनाव ढंग का नहीं हुआ तो आपके ऊपर जो विधायक होगा ना अगर वो मतलब नॉट गुड नॉट अ गुड पर्सन तो यू आर गोइंग टू सफर सो दैट इज़ वाई इट इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएँ ब्यूरोसी गवर्नमेंट ऑफिशल्स की ये ड्यूटी होती है आधार वोट आई डी लिंकेजेस करें डुप्लीकेशन मिसरिप्रजेंटेशन होता है बिकॉज फेक बोगस वोटर्स हैं तो अगर आधार से लिंक करेंगे तो वो बोगस वोटर्स हट जाएंगे नई वोटिंग मैथड की तरफ हम सोचें इनोवेट करें कैप करें कैंपेन एक्सपेंडिचर की इतने से ज़्यादा पैसा कोई खर्च नहीं कर पाएगा जब पैसा खर्च ही नहीं होगा तो करप्शन के चांसेस भी नहीं आएंगे एक सिंगल फॉर्म हो रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें सत्रह साल की एज से ही करें बिकॉज अभी तक क्या होता है कि साल में एक बार रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो जो मिडिल ऑफ ईयर में एटीन हो रहा है वो फिर तुरंत जो इलेक्शन हो रहा है उसमें वो वोट कास्ट नहीं कर पाता है तो जो रजिस्ट्रेशन है वो भी मल्टीपल टाइम्स होना चाहिए और स्कूल और कॉलेज में जाके यंगस्टर्स जो है ना उनको आप समझाओ कट ऑफ लेयर बनाओ इलेक्ट्रॉनिक वर्जन हो इपिक का भी जैसे अभी ड्राइविंग लाइसेंस का भी इलेक्ट्रॉनिक आ रहा है ए का आ रहा है ऐसे एपिक भी वोटर आई भी इलेक्ट्रॉनिक वर्जन हो ऑनलाइन नॉमिनेशन हो साइलेंस पीरियड ऑफ आवर्स का और रिमोट वोटिंग राइट्स भी हो डोमेस्टिक माइग्रेंट वर्कर के ये आर्टिकल हमने पढ़ा था जुलाई के फर्स्ट वीक में और आपने ये सवाल भी तैयार किया था प्रिपेयर अ नोट ऑन द इलेक्शन रिफॉर्म्स इन इंडिया यू रॉट अबाउट नीड अर्लियर एफर्ट्स चैलेंजेस प्रेजेंटर सोल्यूशन एक्सेट्रा अब जैसे आप ये आंसर लिखते हो ना आप बहुत सिस्टमेटिकली वर्क कर रहे हो इस चीज़ का नतीजे बहुत अच्छे आएंगे हैव सम पेशेंस एंड कीप वर्किंग ये जो आंसर आप लिखते हो ना इसको टाइम टू टाइम रिवीजन भी किया करो जैसे पिछले महीने कोई आंसर लिखा उसको एक बार खोल के आप पढ़ो आपको अपनी बहुत सारी गलतियां नज़र आएगी और उसमें इंप्रूवमेंट का स्कोप भी दिखेगा ये चीज़ आप रिफाइन करो कि आंसर लिखने के बाद एक हफ्ते दो हफ़्ते बाद उसको देखो और उसमें थोड़ा स्पेस भी आप एक पन्ना ऐड कर सकते हो आप ए फोर साइज में लिख रहे हो उसके पीछे एक पेज लगा दो और जो नए चेंजेस आए हैं वो वहां पे लिख दो जैसे आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स प्रिपेयर किया था अब प्रिपेयर दिस क्वेश्चन ये 2020 हजार टू का सवाल है देर इज अ नीड फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर फॉर डिसक्वालिफिकेशन ऑफ अ पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ करप्ट प्रैक्टिस अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट हम हमने आरपीए पे भी नोट बनाया है आरपीए पी एंड फिफ्टी तो इस पे अब आप ये सवाल तैयार करो तो देखो आपके पास ऐसे जो स्टैटिक नोट्स बना रहे हो ना ये सब रेडी है अब आपके पास जैसे ये एक्चुअल एग्जाम का पेपर है क्वेश्चन है आपके पास सारे टैंपलेट्स रेडी हैं एग्जाम में पाँच मिनट के अंदर आपको ये सवाल तैयार करना है आप इन सब टैंपलेट को असेंबल कर दो जैसे इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स का टैंपलेट रेडी है आपने आरपीए का भी टैंपलेट रेडी किया है आपको बेसिक थीम भी पता है कि सिंप्लीफिकेशन प्रोसीजर और डिसक्वालिफिकेशन भी जरूरी होता है एम क्या है फ्री एंड फेयर इलेक्शन बस क्विकली राइट इट डाउन दिस इज़ अ वेरी गुड स्ट्रेटजी और इससे एक्चुअल में एग्जाम जो होता है ना रियल एग्जाम उसमें बड़ा बेनिफिट होता है ओके सो बी रेगुलर एंड राइट इट डाउन जैसे जैसे आप ज़्यादा लिखोगे ना तो आपकी राइटिंग अच्छी होगी आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छे होंगे आप में एक डिसिप्लिन आएगा दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन ओके सो डू दिस बी रेगुलर DMRC to roll out e-feeder buses from tomorrow. to बसेज फ्राम टमोरो फ्रंट पेज ऑफ The Hindu. अब जैसे ये डाबर का एड है Give up the carton, give me a future. अभी कल ही हमने देखा था प्लास्टिक जो है उसका पैक्ट हो रहा है रिड्यूज करना है वेस्टेजेस को पैकेजिंग वगैरह को तो नौसी. अभी एक आपको एक और आइडिया मिल गया जैसे डाबर ने ये कैंपेन चलाया है गिव अप द कार्टन गिव मी Reduce वेस्टेजेस पैकेजिंग etc. Excellent. देन डी एम आर सी रोल आउट कर रहा है ई फीडर बसेज फ्राम टमोरो होता है जैसे ये मेट्रो है मेट्रो का स्टेशन है अब कुछ लोग एक किलोमीटर दूर रह रहे हैं दो दो किलोमीटर दूर रह रहे हैं तो उनको यहाँ पर उन पैसेजर्स को फीड करने के लिए डीएमआरसी की मेट्रो में ये फीडर बसेस चलेगी और वो रहेगी इलेक्ट्रिकल एक्सिलेंट तो हमने ट्रांसपोर्टेशन भी पढ़ाए अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के चैलेंजेस भी पढ़े यहाँ ये आइडिया आप लिखो आंसर में कि ई फीडर बसेस जैसे डीएमआरसी चलाती है लास्ट माइल कनेक्टिविटी है विच इज गुड मेट्रोपॉलिटन में जो ट्रांजिट है वो बहुत इफेक्टिव होना जरूरी है चीपर होना चाहिए एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए और इफेक्टिव होना चाहिए एफिशेंट होना चाहिए अब ये है टेले रोबोटिक अल्ट्रासाउंड सिस्टम सी ये आई और एम्स ने डेवलप किया है मतलब टेक्नोलॉजी और मेडिसिन टेली रोबोटिक अल्ट्रासाउंड सिस्टम तो जैसे एजुकेशन है वैसे ही जो मेडिसिन है वहाँ पे भी टेक्नोलॉजी आ सकती है बेटर आउटरीच हो सकता है कि जो मशीन्स हैं वो रियल टाइम पे रिमोट लोकेशन पे डॉक्टर आपके सारे वाइटल स्टैट्स देख पा रहा है सारे रिकॉर्ड डेटा आ रहा है उसके पास और वो उसके हिसाब से डायग्नोसिस करके आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख सकता है तो दिस इज़ द केस ऑफ टेली ये नया सिस्टम है जिसमें रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर्स स्कैन स्ट्रिंजेंट सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू कर पाएंगे तो डॉक्टर्स को भी फायदा होगा एक्सपोजर नहीं होगा रिस्क नहीं होगी उनके कोविड पेशेंट्स वगैरह सो द पॉइंट इज दिस इज़ द क्लियर केस एंड दिस इज़ अ वेरी गुड केस ऑफ़ यूज़ ऑफ़ टेक्नोलॉजी इन मेडिसिन टेली मेडिसिन अब जो आने वाला टाइम है ना इसमें टेली मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली है हमारे यहाँ ऑलरेडी डॉक्टर्स का शॉर्टेज होता है तो टेली मेडिसिन से एक डॉक्टर कितने सारे लोगों के तरफ रीच बढ़ जाएगा पूरे ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड वो चेक कर सकता है तो दिस इज़ अ गुड थिंग टेली मेडिसिन नीड टू केटर टू वेलबिंग ऑफ चिल्ड्रन जरूरी है ग्रीन लाइट फॉर ई ऑक्शन सी एन जी साइट मेंटल प्रेशर एंड मीगर पे टेक अ टोल ऑन कॉन्ट्रैक्ट नर्सेस वर्किंग कंडीशंस दैन दिस इज कॉरल और ये है नेक्स्ट वन प्रेजेंट बुक्स इंस्टीड ऑफ बुके अक्सर ये एक कल्चर हो जाता है ब्यूरोक्रेसी में भी बहुत दिखता है जैसे आप कहीं जा रहे हो तो जो स्टाफ है वगैरह है वो आपको फ्लावर्स दे रहा है बुके दे रहा है उसका सब वेस्टेज जाता है तो बुके के अलावा कुछ ऑल्टरनेटिव हो सकता है तो यहाँ एक केस दिया है कि बुक्स हम दे सकते हैं फिर ये बुक्स आप किसी ज़रूरतमंद को गिफ्ट भी कर सकते हो तो एक अच्छा ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है थ्री हेल्थ फॉर स्टैन एंड दिस इज फोटीन स्टेट्स येट सेट री ओपन स्कूल्स फॉर टू कोविड केसेस डिपोर है गुड बट डोंट लेट द द्ड्स डाउन वैक्सीनेशन इज इम्पॉर्टेंट ये आर्कियोलॉजिकल साइट से उस्मानाबाद में रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो एंटर हुई है दिस इज़ चॉपी वाटर्स चॉपी वाटर्स मतलब वाटर बहुत उथल पुथल हो रहा है कुछ क्लैरिटी नहीं है तो यहाँ बात है चॉपी वाटर्स की सबसे पहले तो अनक्लॉज देखते हैं समुद्र जो है वो सबसे ज़्यादा है अर्थ में अर्थ में मैक्सिमम वाटर है ओशंस हैं सीज हैं तो ये होते हैं कॉन्टिनेंट फिर कॉन्टिनेंट के बाद ऐसे सी चालू हो जाता है तो ये जो सी है ना यहाँ नेविगेशन के लिए 1982 में ये आया था अनक्लॉज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉज ऑफ सी तो जैसे ये इंडिया है तो इंडिया के 12 नॉटिकल मॉइल माइल ये जो लैंड है इससे 12 नॉटिकल माइल तक होगा टेरिटोरियल वाटर टेरिटोरियल सी यहाँ एक्सक्लूसिव इंडिया का राइट है कोई फॉरेन बॉडी यहाँ पे आ नहीं सकती दिस इज टेरिटोरियल सी मतलब दिस इज इंडिया हमारी बॉडी है ये बारह नोटिकल माइल्स तक इसके बाद का जो एरिया होता है उसमें बारह से आगे से कंटीजूअस जोन आएगा और ये दो सौ माइल तक कंटीजूअस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तो फ्रॉम टेरिटोरियल वाटर टू दिस 200 हंड्रेड नोटिकल माइल दिस इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तो कहने को ये भी एरिया में इंडिया का से ज्यादा होगा बट यहाँ पे जो सर्टन रिस्ट्रिक्शन है वो नहीं होंगे लाइक फेयर पैसेज हो सकता है किसी फॉरन नेवी का नेवी व्हीकल का और ऐसा ही एक नेवी व्हीकल का फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन से यू ने पास करवाया था लक्षद्वीप आयलैंड से लक्षद्वीप अपना है उसके पास से यूएसए का यह शिप पास हुआ इंडिया ने ऑब्जेक्शन भी उठाया बट यूएसए ने बोला कि वो अजर्ट कर रहा है इंटरनेशनल लॉ को अब द पॉइंट इज यूएसए ने अनक्लॉज भी रेटिफाई नहीं किया है मतलब साइन नहीं किया है तो विच इज द कॉज ऑफ वरी इंडिया ने साइन किया है तो अब्यूज ऑफ मैरीटाइम रिसोर्सेज होता है डिसरेस्पेक्ट होता है टेरिटोरियल सोवर्निटी राइट्स ऑफ नेशन को जैसे यूके का अभी ब्लैक सी में चला गया था यूएसए की अक्सर शिप्स चली जाती है साउथ चाइना सी में तो वहाँ वैसे भी डिफिकल्टी है बट इन जनरल भी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं या समटाइम्स एल्स डिसरेस्पेक्ट होता है दिस मैरिटाइम रिसोर्सेज का और यही चीज़ प्राइम मिनिस्टर ने अभी बोला कहाँ पर यू की चेयर पे, जो डिबेट हुआ उसमें प्राइम मिनिस्टर ने कहा फाइव प्रू प्लान चाहिए टू एनहेंस मैरिटाइम सिक्योरिटी वर्ल्ड वाइड कोऑपरेशन के थ्रू रिमूव करें बैरियर लेजिटिमाइज करें मेरी ट्रेड को ट्रेड बिकॉज वर्ल्ड का मैक्सिमम ट्रेड होता है ना वो होता है बाय सी सेटल करें डिस्प्यूट्स को पीसफुली इंटरनेशनल लॉ के थ्रू जॉइंटली फेसिंग नेचुरल डिजास्टर्स मैरीटाइम टाइम थ्रेड जो क्रिएट हुआ है नॉन स्टेट एक्टर से जैसे ये सोमालिया है ना यहाँ पायरेट्स बहुत होते हैं प्रिजर्व करें मैरीटाइम टाइम एनवायरमेंट को रिसोर्स को और एनकरेज करें रिस्पॉन्सिबल मैरीटाइम कनेक्टिविटी ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है प्राइम मिनिस्टर ने क्या बताया फाइव प्रो मैथ एनहेंस मैरी टाइम सिक्योरिटी कल सवाल भी आपने तैयार किया था मैरी टाइम सिक्योरिटी समुद्री सुरक्षा ये पांच बातें आपको लिखनी है जब भी आप कुछ बोलोगे फाइव थिंग्स शुड बी तो अनक्लॉज इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है कि यूएसए भी उसको रेटिफाई करे प्राइम मिनिस्टर ने सागर विजन पे भी एम किया स्ट्रेंथन करें इकोनॉमिक सिक्योरिटी कनेक्शन रीजनल मैरीटाइम नेशन को बिकॉज इंडिया का बैकयार्ड है इंडियन ओशन श्रीलंका है ये सारी जो कंट्रीज है ना रीजनल यहाँ के लिए सागर विजन है सागर का फुल फॉर्म आप बताओ तो अभी इस कॉन्टेक्स्ट में हम एक बार क्विकली मैपिंग देख लेते हैं मैपिंग इंपॉर्टेंट है प्रिलिम्स में साउथ चाइना सी जैसे ब्लैक सी कर्च स्ट्रेट सी ऑफ़ ओ ये सब न्यूज में है ना इन सब का मैपिंग पता होना चाहिए आज ही एटलस में ये आप देखो तो ये जो डिबेट हो रहा था प्राइम मिनिस्टर अपनी बात रख रहे थे इंडियन प्राइम मिनिस्टर इसी बीच रशिया और चाइना एक तरफ हो गए और यूएसए दूसरी तरफ हो गया एंड दे स्टार्टेड बिकरिंग फाइटिंग हो गई तो द पॉइंट इज वर्ल्ड ऑर्डर में लॉ जो है ना रूल ऑफ लॉ होना जरूरी है अब ये क्विकली मैक मैप देखते हैं ब्लैक सी का बिकॉज ये बड़ा न्यूज में है अभी तो ब्लैक सी के नीचे ये टर्की है और ऊपर प्राइमरली दिस इज रशिया यहाँ पे जॉर्जिया है ओके देन दिस इज ग्रीस दिस इज बुल्गारिया दिस इज दिस इज रोमानिया और दिस इज़ यूक्रेन यूक्रेन का ये जो पेनसुल्ला है इसको बोलते हैं क्रीमियन पेनसुल्हा ये रशिया ने अपने पास रख लिया है और इसी बात पे लड़ाई होती है यूक्रेन जो है ये काइंड ऑफ एक बफर स्टेट है दिस दिस नाटो अलायंस अलाइज और रशिया के बीच में तो यूक्रेन को नाटो अपने पास लेना चाहता है और रशिया उसको धमकाता है ऐसा नहीं होना चाहिए और इस बात पर यहाँ पर टेंशन होता है ये कुछ इंपॉर्टेंट याद रखना है जैसे ये सी ऑफ अजोब है क्रीमियन सी के ऊपर है सी ऑफ अजोब फिर नीचे ब्लैक सी है अब ये दो सी है ये कनेक्टेड है कर्च स्ट्रेट से दिस इज कर्च स्ट्रेट ये कर्च स्ट्रेट है ओके okay, स्ट्रेट मतलब नैरो वाटर बॉडी कनेक्टिंग टू सीज फिर ब्लैक सी से आता है बॉस्पोरस ये बॉस्पोरस स्ट्रेट है और फिर आता है सी ऑफ मारा मारा सी ऑफ मारा मारा से नीचे डार डनल आता है और फिर एजियन सी और मेडिटेरेनियन आ जाता है तो दैट इज वाई ये जो ब्लैक सी है ना ये रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज रशिया के ऊपर अगर अपन देखें तो नॉर्थ से कनेक्टिविटी फिर नॉर्थ सी वगैरह आएगा आर्कटिक वो ईजी नहीं है जबकि अगर ब्लैक सी खुद का बैकयार्ड मानता है रशिया ब्लैक सी में अगर रशिया का प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग रहेगा तो ब्लैक सी से देखो कर्च स्ट्रेट सी ऑफ अजोव कर्च स्ट्रेट क्रीमियन ऑलरेडी रशिया के पास है तो रशिया इस पूरे एरिया को डोमिनेट करेगा और यहाँ से आएगा सी ऑफ मारा मारा डार्डनल्स एजियन और सीधा मेडिटेरेनियन में आ जाएगा और मेडिटेरेनियन में रशिया आ जाएगा मतलब पूरे यूरोप को भी वो अपना स्ट्रांग बना सकता है प्रेजेंस स्ट्रांग प्रेजेंस दिखा सकता है सो दैट इज वाई ब्लैक सी के लिए रशिया बहुत ज्यादा पर्टिकुलर होता है बाकी ये तो कॉकेकस माउंटेन है ये पॉन्टिक माउंटेन्स हैं दिस इज बाल्कन माउंटेन्स ओके ये कुछ रिवर्स भी हमने यूरोप की देखी थी डी से स्टार्ट होने वाली ना सब इधर आ रही है डेन्यूब दिस इज नाइस्टर दिस इज दिस इज डॉन ओके नाइपर नाइस्टर ये सारी रिवर्स है तो ब्लैक सी इज इम्पोर्टेंट फॉर मैपिंग इसको बड़े अच्छे से प्रिपेयर करना है तो अब देखते हैं दो हजार उन्नीस जीएसटू का पेपर

पहला तो इंडिया का पुराना स्टैंड जैसे पहले हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट किया इसमें इंडिया को ऐसा माना जाता था थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के हिसाब से इतने डेवलप्ड कंट्रीज़ का नहीं है उनका नेता बन रहा है आज का जो डेट है आज हम नेता बन रहे हैं जैसे कोविड वैक्सीनेशन की सप्लाई का आज हम बन रहे हैं यू की चेयर का आज हम बन रहे हैं मेरी सिक्योरिटीज़ का आज हम बन रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसमें हमें कैसे गो फॉरवर्ड करना है वे फॉरवर्ड करना है तो जो पहले इंडिया की इमेज थी ना कि केवल ऑपरेस्ड और मार्जिनलाइज नेशन का लीडर है वो अब चेंज हो रही है अब इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर में इंडिया का प्रेजेंस बढ़ रहा है इसका सबसे बड़ा रीजन एक तो यह है कि हमारे पास 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है और डेमोक्रेसी है तो पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण हमारा डायस्पोरा भी ज्यादा होता है हमारा से बढ़ रहा है ओके तो थिंक इन दिस लाइन एक बार सिलेबस भी रेफर करिए एंड प्रिपेयर टू थाउजेंड तो सी कितने आसान आसान सवाल होते हैं बस आपको फंडामेंटल्स करेक्ट रखने हैं और राइटिंग अपनी अच्छी रखनी है बिकॉज इन दी एंड जो डिफरेंस क्रिएट होगा ना वो आपके लिखने की कैपेसिटी से होगा लोग बड़े चैंपियन स्टूडेंट्स रहेंगे बट वो लिख ही नहीं पाएंगे उनका कलम ही नहीं चलेगा वहाँ पे बिकॉज उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किए तो प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अंडरमाइनिंग जस्टिस अब ये नेक्स्ट है अंडरमाइनिंग जस्टिस यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स की बात है गवर्नमेंट अभी कल ही पढ़ा था ना थ्री टू थ्री एट थ्री थ्री टू थ्री बी तो so, गवर्नमेंट क्या कर रही है ऐसा आरोप लगाए कि वो ट्रिब्यूनल्स में अपॉइंटमेंट डिले कर रही है 240 से ज्यादा वैकेंसी है सेंस ऑफ अर्जेंसी है नहीं ट्रिब्यूनल्स में एग्जीक्यूटिव ज्यादा से ज्यादा अपना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो फिर गलत हो जाता है सेपरेशन ऑफ पावर का किस डी में लिखा है कि सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए गवर्नमेंट मस्ट एक्सप्लेन द दूजल डिले इन फिलिंग वैकेंसीज इन कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल ये कोर्ट ने कहा अब ट्रिब्यूनल हमें पता है वो स्पेशलाइज होते हैं जैसे ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हो गया ओके okay? तो स्पेशलाइजेशन डोमेन एक्सपर्टीज और क्विकर एजुटिकेशन ये तीन चीजें हैं जिसके कारण हम ट्रिब्यूनल्स बनाते हैं और ट्रिब्यूनल्स ही डिले हो रहे हैं बिकॉज देर आर वैकेंसीज ये पर्पज लॉस्ट हो जाता है और ट्रिब्यूनल्स डिसफंक्शनल हो जाते हैं अनपैकिंग द रिजाइलियंसी ऑफ ग्लोबल ट्रेड येट अगेन रिजाइलेंट रिजाइलेंट का मतलब होता है कि मुश्किल टाइम पे भी वो बना हुआ है गिव अप नहीं कर रहा है ग्लोबल ट्रेड कोविड नाइन्टीन की डिफिकल्टी में भी सर्वाइव होना चाहिए प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी बढ़ रही है अल्ट्रा नेशनलिज्म आ रहा है उससे ग्लोबल ट्रेड इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए ये यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है बिफोर दैट दिस इज पॉलिटिकल हम इसको देखेंगे ग्लोबल ट्रेड अब हर जो डिफिकल्टी आती है ना हर डिफिकल्टी में एक अपॉर्चुनिटी होती है दिस इज द लॉ ऑफ नेचर पैंडमिक आया तो प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स बढ़ गए नेशनलिस्ट एस्पायरेशन बढ़ गए जैसे होर्डिंग स्टार्ट हो गया है ना तो इससे इनक्वेलिटीज ऑन राइज है वैक्सीन नेशनलिज्म भी इज नॉट राइट सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ वर्ल्ड वॉर हुआ तो डिफिकल्टी आई तो इसके बाद ब्रिटेन वो ट्विन आए आई एम एफ और वर्ल्ड बैंक विच इज गुड फिर आई टी ओ आया फिर गैट आया फिर वो बना डब्ल्यू टी यू में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1970 का ऑयल शॉक आया तो 1974 का इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बना सो द पॉइंट इज हर क्राइसिस के बाद बॉटम हिट करते हैं तो हम रिबाउंड होते हैं हम करेक्शंस करते हैं तो इस बार भी टाइम है जैसे 2008 क्राइसिस के बाद जी ट्वेंटी ग्रुपिंग हुआ कोविड क्राइसिस में भी टाइम है कि हम कुछ यहाँ पे फंडामेंटल रिफॉर्म्स लाएं ग्लोबल सप्लाई चेन जो इम्पैक्ट हुई है इसको करेक्ट करें इकोनॉमी जो डोलड्रम्स में है इसको करेक्ट करें अपग्रेड करें स्किल्स कैपेसिटी स्ट्रेंथन करें तो ग्लोबल एफर्ट्स जरूरी है द होल आइडिया इन दिस इन दिस एंटायर आर्टिकल इज दैट कि वी नीड सर्टेन रिफॉर्म्स वी नीड टू करेक्ट अवर हाउस पुट अवर हाउस इन ऑर्डर अनपैकिंग द रिजाइलेंसी ऑफ ग्लोबल ट्रेड और हमारी जितना भी ट्रेड रिलेटेड चीजें हैं वो इंटरकनेक्टेड है सिलोज में नहीं होगा दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड अब एक टर्म है ग्लोबलाइजेशन ये ग्लोबलाइजेशन भी कीवर्ड है सिलेबस का तो दिस इज इंपॉर्टेंट कॉल फॉर इम्प्रूविंग इम्प्रूविंग सिविल रजिस्ट्रेशन दिस सिस्टम हमारे यहाँ डेटा रजिस्टर ही नहीं होता है तो डेटा रोंग आता है डेटा रोंग होता है तो डेटा पॉलिसी गलत हो जाती है तो इंडिया को स्विफ्टली अजाइन करना है, है ना इस पर भी आपने सवाल तैयार किया है वाइटल स्टैटिस्टिक्स बर्थ एंड डेथ्स अगर आप ऐसे सारे होमवर्क कर रहे हो ना तो वी आर स्टडिंग इन सच एन एफिशियट मैनर अगर आप होमवर्क कर रहे हो ना तो हंसते खेलते पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और वो खुद आपने कंप्लीट किया है इससे बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा एंड यू विल डू वेल ओके द ओनली पॉइंट इज यू हैव टू पुट सम एफर्ट मेहनत करनी पड़ेगी आपको अपने एंड से भी थोड़ी ओके इट्स द इको सिस्टम स्टूपेड ये बात है जैपैन फ्लरिशिंग अरिना इकोनॉमिक एक्टिविटी द पॉइंट इज इंडिया में स्पोर्ट्स जो है ना इसका कल्चर डेवलप करना जरूरी है एनकरेजमेंट करें और उसके लिए फाइनेंसेस भी चाहिए होंगे फैसिलिटीज देना पड़ेगा स्पोर्ट्स एज अ कल्चर देन प्राइम मिनिस्टर ने उज्ज्वला 2.0 स्कीम लॉन्च किया वाई उज्ज्वला में क्या होता है गैस सिलेंडर देते हैं एलपीजी गैस सिलेंडर ये इसलिए है 2.0 पॉइंट प्राइमरली फोकस करेगा माइग्रेंट वर्कर्स में एक जगह से दूसरी जगह जो फैमिलीज मूव करती है फॉर वर्क परपजेज उनको मिलेगा उज्ज्वला टू पॉइंट ओ कनेक्शन दैन इंडिया टू इवैकुए कल हमने देखा था ना अरेबियन पैनसुला का क्राइसिस तो जब भी ऐसा क्राइसिस आता है ना हमारे इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है तो हमको उनको इवैक्ट करना पड़ता है अभी अफगानिस्तान में इतने सारे इंडियंस हैं अभी मजार शरीफ जो है इसको तालिबान कैप्चर करने वाला है तो हमें अपने सिटीजन अब यहाँ से इवैक्ट करने पड़ेंगे देन दिस इज नगेटिव परसेप्शन उज्जवला टू पॉइंट ओ टू वैकवेट इट्स परसन एल नीरज चोपरा वॉज आइडेंटिफाइड यंग दिस इज द पॉइंट अगर ये जो टीनेज होती है ना यहीं से स्पोर्ट्स आइडेंटिफाई कर लें स्पेशली एथलेटिक्स में तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएगा बिकॉज इस टाइम पर जो ट्वेंटीज और नाइन टीन एजर्स वाला एज होता है ना इसमें बॉडी बड़ी स्ट्रॉन्ग रहती है सो so, इसी टाइम पर आइडेंटिफाई करो प्रॉपर ट्रेनिंग दो और हमारे पास वर्ल्ड क्लास एथलेटिक्स हो सकते हैं Then 29 of students exposed to second hand smoke. This is also a cause of worry. Second hand smoke क्या होता है कि आप तो smoke करते नहीं हो but आपका दोस्त smoke करता है वो smoke करता है तो वो आपको देता है, और आप भी second hand smoke करने लग जाते हो तो politely and directly स्पष्ट शब्दों में यहाँ पे no बोलना जरूरी है पैसिव स्मोक मत करो सर्वे ने ये एनालाइज किया रूल सेंटर बोल रहा है See? और ये जो चीज़ें हैं ना ये मतलब कूल cool फैक्टर दिखाता है जब यंग होता है ना टीनेजर आपको बताया जाता है दिस इज़ सो कूल दिस इज़ सो लुक गुड वैसे भी कम एज के जो बच्चे होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही सेल्फ कॉन्शियस होते हैं तो पॉइंट इज दिस इज़ नॉट कूल स्मोकिंग इज़ नॉट कूल ये जो गुटका पान इस टाइप की चीज़ें होती है टोबैको वगैरह ये मतलब ऐसा कुछ नहीं है ये सब पैसे मिलता है तो सेलिब्रिटी यहाँ पे इसका एंडोर्समेंट करते हैं इनका कोई मॉरल राइट right भी नहीं है ऐसे नहीं है तो द पॉइंट इज यहाँ पे भी हमें एनकरेज नहीं करना है और इसके लिए लॉज है जैसे स्कूल कॉलेजेस होता है ना इसकी जो प्रेमाइस है पचास मीटर सौ मीटर वहां पे ये चीजें सेल भी नहीं हो सकती वो इलीगल है ओके सो दिस इज द थिंग सेंसस एक्टिविटीज पुट ऑफ ड्यू टू पैंडमिक है तो सेंसस एक्टिविटी नहीं हो पाएगी बिकॉज इनकी लाइफ भी थ्रेट पे है। तो सेंसस इस बार डिले आएगा इसलिए इस साल भी दो का सेंसस ही हम देखेंगे देन इंडो श्रीलंका रिलेशन है सी फ्ली हो रहे हैं अब इससे क्या होगा इससे दो प्रॉब्लम है एक प्रॉब्लम है कि अफगानिस्तान बैक में जाएगा ग्रोथ डेवलपमेंट सब डिस्ट्रक्शन हर जगह ऐसे ही हुआ है सीरिया में ऐसे ही हुआ इराक में ऐसे ही हुआ जब अरब स्प्रिंग में देखा तो कुछ राज्यों में कुछ इराक और इधर ऐसे ही हुआ अब दिस अफगानिस्तान में भी सेम चीज़ हो रही है तो द पॉइंट इज वर्ल्ड को एक्शन लेना चाहिए होंगकोंग जो है दिस इज चाइना डोमिनेट कर रहा है यहाँ पे ईरान डिनाए नाइनटीन

बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑयल भी अभी लास्ट लेग्स में है फ्यूल है जो फॉसल फ्यूल है दिस इज अबाउट टू गो तो रिलायंस भी एक्सपैंड कर रहा है जो नए वेंचर्स आ रहे हैं नया भविष्य किसका है इलेक्ट्रिसिटी लाइक सोलर एनर्जी दिस एम्बरी दिस इज एनर्जी सोलर रिन्यूएबल एनर्जी तो रिलायंस यहाँ पे अभी फोकस कर रहा है जैसे जियो आया बिकॉज कॉम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दिस इज नेक्स्ट बिग थिंग फाइव जी आ, आ रहा है तो रिलायंस इज डूइंग रियली गुड दैन जोमैटो काफ़ी लॉस मेकिंग है ज्यादातर स्टार्टअप लॉस मेकिंग में होते हैं शुरुआत के बहुत टाइम तक दे जस्ट फोकस ऑन मार्केट कैप्चर Then, 2020, अब से ये जो लाइन है ना इसको आप अच्छे से लिख लो ऑफ ह्यूमन स्पिरिट ओवर एडवर्सिटी जब भी टोक्यो 2020 ट्वेंटी बोल रहा है ना राइट डाउन दिस लाइन अ स्टरिंग ट्राइम ऑफ ह्यूमन स्पिरिट ओवर एडवर्सिटी एडवर्सिटी कितनी ज्यादा थी वर्ड पेन है कोविड है बट ह्यूमन स्पिरिट यहाँ पे ट्रायम्फ हुई है दिस इज द मैसेज ऑफ ओलम्पिक्स इज दीबडीट सब किया है तो दिस इज अ वेरी गुड थिंगी इज विनर आईसीसी ओलम्पिक्स लाना चाहता है कहा गेम्स टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर तो दो हजार चौबीस पैरिस में होगा दो हजार अट्ठाइस एल ए लॉस एंजलिस में देन मेसी ने नया ज्वाइन कर लिया है किंग इज इज दिंदू इंडियन एक्सप्रेस है फ्लोर प्राइस इज जैसे जियो आया जियो ने हर चीज शुरू में फ्री एंड सो चीपर प्राइसिस में कर दिया मार्केट डिसरप्शन हुआ टेलीकॉम की जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की भी फ्लिप फ्लॉप से प्लस अनहेल्दी इनका अगर रेवेन्यू होता है तो लॉस मेकिंग ज्यादा होता है दिस इज द प्राइमरी रीजन की लास्ट पांच सात साल में इतने सारे टेलकोज का वाइंड अप हो गया बिजनेस बिकॉज फ्लोर प्राइस नहीं है मतलब मिनिमम कितनी प्राइस रखें ताकि फिजिबल हो पाए ऑपरेशन उस पर यहाँ पे इंटरवेंशन की बात है सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्टेट्स कॉन्टर एम पीज एमएल इन केसेस विदाउट हाई कोर्ट नोड पेगस केस भी न्यूज में चल रहा so, है सो दिस इज फ्रंट पेज आर टी एन सी पी सी आर सर्वे ने कहा जो माइनॉरिटी स्कूल हैं वो भी राइट टू एजुकेशन में आने चाहिए देन दिस इज इसरो ने फाइंड किया है हाइड्रोक्सिल और वाटर मोलिकुल मून ऐसी न्यूज आती रहती है हम लाइफ ढूंढ रहे हैं सब जगह दो वैक्सीन मिक्स करें या नहीं करें ये दिस इज वेस्टेज ऑफ टाइम इस पर बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है कनेक्टिंग इंडिया बाय इनलैंड वाटर वेस्ट बस जब वैक्सीनेशन आ जाएगी अप्रूवल हो जाएगा देन खुद से नहीं करना है कि दो वैक्सीन हम मिक्स कर रहे हैं तो दिस इज रूमर मॉक्रिंग जब तक आई सी एम आर फॉर्मली नहीं बोलेगा इट इज नॉट वैलिड ये न्यूज इंपॉर्टेंट है इनलैंड वाटर वेस ही जैसे हमने सी देखा ना मेरी इनलैंड मतलब कंट्री के अंदर अंदर मतलब जमीन पे जमीन पे रिवर्स होती है तो रिवर्स वाटर वे बना दें तो वो इनलैंड वाटर वे बन जाएगा ओके okay? तो इंडिया में अभी ये कुछ तेरह है जो एक्टिव है नेशनल वाटर वे है वैसे तो एक समथिंग हो गए थे बट अभी ये थर्टीन है जो राइट नाउ एक्टिव है थर्टीन नेशनल वाटरवेज इन सबके नाम याद रखने हैं एन वन भागीरथी पे एनडब्ल्यू टू ब्रह्मपुत्रा पे है देन हुगली ये ये स्ट्रेच भी है हुगली टू हल्दिया वाला दिस गंगा रिवर का है नेशनल वाटर वे वन एंड नेशनल वाटर वे ब्रह्मपुत्र टू का है ब्रह्मपुत्र का है देन ये नर्मदा पे है देन तापी पे है अंबा कुंदालिका राजपुरी ग्रीक शास्त्री मांडोवी रिवर जुआरी रिवर वेस्ट कोस्ट कैनाल चंपाकारा उद्योग मंडल कृष्णा मुक्तियाला विजयवाड़ा सुन्दरबंश तो ये जो तेरा है ना आज की डेट में ये बस तेरा आपको याद होना चाहिए इसका मैंने ये पीडीएफ भी यहां लगा दिया है। दीज वाटर हमें पता होने चाहिए। ओके। सबसे बड़ा है सोलह सो बीस किलोमीटर इंपॉर्टेंस क्या है वॉटर वे से क्या होता है कि जैसे इंडिया में करीब पंद्रह हजार किलोमीटर का रिवर्स है बैक वाटर्स है जैसे केरला के देखे थे दे, वैम्बानंद क्रीक्स भी है तो यहाँ पे क्या होगा कि इन साइड पर भी जो रोड ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी इसीलिए आया था इनलैंड वेसल्स बिल 2021 में इनलैंड वेसल्स एक्ट 1917 को इसने रिप्लेस करना चाहा इसने ऑल इनलैंड वाटरवेज इंडिया जो थे उसको सेंट्रल रेगुलेटरी रिजिम में लाने की बात किया सेंट्रल रेगुलेटरी रिजीम जैसे मेजर पोर्ट्स होते हैं ना मेजर पोर्ट वो होता है जो सेंट्रल के एडमिनिस्ट्रेशन पे है तो ऐसे ही वाटरवे भी सेंट्रल अथॉरिटी के एडमिनिस्ट्रेशन में लाने की बात किया इंग्लैंड वाटरवे अथॉरिटी हो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग अब बात यह है बिल ने डिफाइन ये भी किया जो फाइन डिटेल्स हैं कि कौन सी शिप्स बोट्स वेसल्स कंटेनर फेरी ट्रेवल कर पाएंगे उनका स्टैंडर्ड क्या होगा स्पेसिफिकेशन क्या होगा एकोमोडेशन एट्रा तो टेक्निकल जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर बताएं फिर इन स्टेट्स का इन स्टेट्स का क्या रोल होगा जहाँ से वाटर वे पास हो रहा है तो दिस ऑल थिंग्स दिज ऑल थिंग्स लुक्स रियली गुड बट द प्रॉब इज अगर एक्सीडेंट होता है पॉल्यूशन का क्या होगा बिकॉज जैसे हम अक्सर श्रीलंका के पास शिप में ऑयल लीकेज हो गया तो ऐसे अगर रिवर्स गंदी होने लग गई तो रिवर्स के अक्रॉस जो शहर होते हैं वो भी डैमेज होंगे एक्वेटिक जो है लाइफ वो इम्पैक्ट होगी तो वॉट अबाउट पॉल्यूशन अपॉर्चुनिटीज आर देयर बट रिस्क भी बहुत ज्यादा है इनलैंड वाटरवेज में एनवायरमेंट को सेफ कैसे रखेंगे ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन है इशूज इन एंटी ट्रस्ट प्रोब अमेजन एंड फ्लिपकार्ट दिस इज डायर नेसेसिटी आई पी सी सी की रिपोर्ट जो बोल रही है कि इट इज़ टू लेट पानी सर के ऊपर से निकल गया है अभी एक्ट नहीं करेंगे तो बहुत देरी हो जाएगी फूड फॉर थॉट है दिस इज अपोजिशन यूनाइटेड द क्लाइमेट डेडलाइन अगेन सेम चीज़ है आई पी सी सी रिपोर्ट यह आई पी सी सी रिपोर्ट छः छः साल में आती है इस बार आई है मंडे को अभी रिलीज हुई है सो so, सारे अपकमिंग एग्जाम्स में आई पी सी सी से रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछा जाएगा देन दिस इज रेट्रोटैक्स आउट रिफॉर्म्स इन टैक्सेशन हट गया है लद्दाख का मैप हमें पता होना चाहिए देन यूएस ने बोला तालिबान को रिकग्नाइज नहीं करेंगे अगर वो पावर पे आएगा बाय फोर्स यूएस बहुत वीक स्टेटमेंट्स दे रहा है रेस्पॉन्सिबल कंट्री नहीं लग रहा है यहाँ पे पहली बात तो पावर में कैसे आया यूएस इतना इतना इरेस्पॉन्सिबली विदड्रॉ किया है अफगानिस्तान में एंड नाउ दे आर पासिंग सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स तो द पॉइंट इज एक्ट शुड ओवर ये ग्रीक वाइल्ड फायर है डिवोर्स फॉरेस्ट वाइल्ड फायर से बड़े लॉसेज होते हैं इन्वामेंट के यू एस सैनट ने इतना इंफ्रा बिल पास किया है इकोनॉमिक रिकवरी पिकिंग अप गुड साइन एक्टिविटी बढ़ रही है फाइनेंशियल क्रेडिटर फ्यूअर पीपल रिपोर्टेड हंड्रेड करोड़ इनकम ए वाई ट्वेंटी दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस अब हम क्विकली देखते हैं हिंदी आर्टिकल सी विश्व आदिवासी दिवस अभी नौ अगस्त को सेलिब्रेट किया था इंडिया के लिए आदिवासी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारे यहाँ जनजाति करीब 104 मिलियन है मतलब देश की आबादी का आठ दशमलव प्रतिशत जो है वो है आदिवासी सो इसीलिए ये बड़े इम्पोर्टेंट है नौ अगस्त को हम विश्व आदिवासी दिवस सेलिब्रेट करते हैं 705 ऐसी जातीय समूह है जिनको औपचारिक रूप से पहचान किया गया है ट्राइब्स में और इसमें से भी जो 75 है उनको आइडेंटिफाई किया है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स ग्रुप्स में जो गौन जनजाति है ये सबसे बड़े हैं, मतलब इनका नंबर सबसे ज़्यादा है इंडिया में सबसे अधिक संख्या में जनजातीय समूह उड़ीसा में पाए जाते हैं केंद्रीय जनजातीय है बेल्ट है जो राजस्थान से पश्चिम बंगाल ये जो सेंट्रल बेल्ट है यहाँ सबसे ज़्यादा इंडिजिनस पॉपुलेशन है ट्राइबल्स का अब ट्राइबल्स इंपॉर्टेंट है तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है ट्राइबल्स के लिए ये सारे आर्टिकल्स टिप्स पे याद होने चाहिए आर्टिकल 342 जैसे ओबीसी में अभी हमने देखा ना इनका रिकग्निशन कैसे हो रहा है तो 342 में रिकोग्निशन के लिए प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में राज्यपाल के परामर्श के बाद सार्वजनिक अधिसूचना गजट में उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जनजाति के रूप में जनजाति या आदिवासी समुदाय या जनजाति के उपसमूह को निर्दिष्ट कर सकता है मतलब कि आर्टिकल 342 में प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद गवर्नर ऑफ दैट स्टेट जो ग्रुप्स आइडेंटिफाई किए हैं उन्हें गजट में पब्लिश करेंगे तो वो ग्रुप आ जाएंगे फिर ट्राइब्स के अंदर आर्टिकल 15 हमें पता है केवल धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध करता है, है? है।, है? आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है फिर थ्री थर्टी फाइव है अनुसूचित जातियों जनजातियों संबंधी सेवाओं और पदों पर दावा होगा थ्री थर्टी एट है जैसे पहले थ्री थर्टी एट था फिर थ्री थर्टी एट ए आया फिर थ्री थर्टी एट बी आया हंड्रेड एंड टू तो 338 ए के अंदर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई है फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल भी है जैसे कल हम पैसा भी देख रहे थे जनजातीय क्षेत्रों को प्रशासन पर नियंत्रण तो थ्री फोर्टी आर्टिकल वन आर्टिकल फिफ्टीन आर्टिकल शेड्यूल सो दिस इज नाइन्थ ऑफ अगस्त विश्व आदिवासी दिवस एट पॉइंट सिक्स परसेंट पॉपुलेशन ऑफ अवर कंट्री इज ट्राइबल सी सेट सवाल है सी सेट सवालों से डरना नहीं है रोज थोड़ा प्रैक्टिस करें आप कंफर्टेबल हो जाएंगे ओके बट अगर आप पहले से ही माइंडसेट बना लेंगे कि ये कंफर्टेबल नहीं है समझ नहीं आएगा तो फिर नहीं इट इज इजी अ टैप कैन फिल अ टैंक इन सिक्स आवर छः घंटे में वो पूरा फिल करता है बड़ा आसान है आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड टैंक आधा भर गया है थ्री मोर सिमिलर टैप्स आर ओपन तो छः घंटे में पूरा भर रहा था तो आधा टैंक भरने में तीन घंटे हो गए छह घंटे में पूरा भरता है तो एक घंटे में कितना भरेगा वन बाय सिक्स फिल होगा अब जब आधा भर गया है तो तीन और टैंक टैप आ गए तो टोटल कितने टैप हो गए थ्री प्लस वन फोर टैप एक पहले से चल रहा था तीन और आ गए तो फोर टैप्स अब एक घंटे में कितना भरेंगे एक टैप भरता है वन बाय सिक्स तो चार भरेगा फोर बाय सिक्स मतलब टू बाय थ्री फिल करेगा अब देखिए जो आधा टैंक है वो ऑलरेडी भर गया है ना तो टू बाय थ्री फिल होता है एक घंटे में अब हमें केवल आधा और भरना था आधा तो पहले तीन घंटे में हो गया था फिर इसके बाद चार टैप आ गए तो वो आधा फिल होगा जब टू बाय थ्री चारों टैप ओपन है तो थ्री बाय फोर आवर्स में मतलब फोर्टी फाइव मिनट्स में तो पहले आधा भरने में तीन घंटे लगे बाकी आधा भरने में फोर्टी फाइव मिनट लगे तो आंसर इज थ्री और फोर्टी फाइव मिनट ईजी अब सिमिलरली सेम लॉजिक यहाँ भी लगाइए है घंटे में फुल होता है दो घंटे में वन बाय थ्री फिल हुआ तो रिमेनिंग हुआ टू बाय थ्री अब सी क्लोज हो गया है ए प्लस बी वर्क कर रहा है तो सात घंटे लगे तो ए प्लस बी सात घंटे में ये टू बाई थ्री फिल करेगा ये टू बाई थ्री जो बचा हुआ था तो एक घंटे में कितना करेगा सात को इधर ले जाओ तो टू अपॉइंट ट्वेंटी वन अब हमें ए प्लस बी का कैपेसिटी पता चल गया और सी का हमको फाइंड कर लेंगे है ना ए प्लस बी बिकॉज ए प्लस बी प्लस सी तीनों का हमें पता है एक घंटे में वन बाय सिक्स है तो इससे ए प्लस बी हटा देंगे ये वाला वैल्यू तो विल गेट सी तो सी इज फॉर्ट आवर्स सिंपल वर्क डन पाइप अब जब पाइप निकल रहा है पानी तो वो नेगेटिव होगा तो वेस्ट पाइप से एक मिनट में कितना होगा वन बाय फिफ्टीन सबको वन बाय ट्वेंटी निकालो तो वन बाय फिफ्टीन माइनस दिस वन ट्वेंटी प्लस दैट इज माइनस वन बाय फोर्टी तो इस रेट से एम टी हो रहा है और ये रेट एम टी होने का दिया है तीन गैलन तो अगर पूरा पार्ट x था x अपन फोर्टी इज इक्वल टू थ्री गैलन तो x इज इक्वल टू वन ट्वेंटी आंसर सिंपल अब ये बताइए

डू इट शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगता है बट थोड़े टाइम पे ये सब चीज़ें ईजी हो जाएगी ऑल यू हैव टू डू इज बी रेगुलर पुट सम एफर्ट्स समीडे देन ये सब याद रखना है नाइन्थ अगस्त का और ये सारे तेरह नाम याद होने चाहिए वॉटर वेज के उज्ज्वला टू पॉइंट हो ये सवाल तैयार करिए दो हजार उन्नीस का सवाल है वॉटर वेज और ये दो हजार बीस का सवाल है दिस इलेक्शंस ओके So this is 11th of August 2021 thank you so much for watching this video take care study well and be safe